मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर रूमेटिक ब्लड फेडरेशन, मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो दो तीन दिन पहले वेस्ट बंगाल में हमारी एक बहन के साथ डॉक्टरानी जो थी उनके साथ रेप हुआ है, हम सख्त शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और हमने मैडम ममता बनर्जी जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ की, हमने उनको लेटर भी लिखी है कि आप एज ए लेडीज़ वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और आपको इसको इमीडिएट संज्ञान में लेना चाहिए था, जो उनसे थोड़ा सा डिले हुआ है। तो अभी हमने आज ही उनको एक लेटर मेल की है। तो इसके साथ ही ये अब हर जगह जो 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 लोगों में और बर्दाश्त का जो मादा है वो ख़त्म हो गया है। अभी कल ही किसी डॉक्टर के साथ विजयपुर में हुआ है, बदतमीजी की है, तो वहाँ भी आज सवेरे की स्ट्राइक चल रही थी। अभी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के, वो वहाँ पर ही हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी शायद वो अंदर अरेस्ट हो गए हैं, तो वो वहाँ से स्ट्राइक उन्होंने वापस ले ली है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम इंसानियत के नाते, एक तो किसी भी बहन के साथ, किसी की भी लड़की है बहन है, उसके साथ ऐसा कांड नहीं होना चाहिए कि वो ड्यूटी कर रही है तो उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाए कि वो उसको रेप करके आप मार ही दो। ये तो इंसानियत तार तार हो गई है, इंसानियत ख़त्म ही हो गई है, इंसानियत का नाम ही नहीं रहा है। तो वो क्या अब कोई हमारी बहन को डॉक्टरी करेगी और अपनी वहाँ पर ड्यूटी करेगी? अब मैं आज यहाँ SMES में गया हुआ था, वहाँ लेट डॉक्टर डरती हैं कि हम नाइट ड्यूटी कैसे करेंगे। हालांकि हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं ये समझता हूँ जम्मू कश्मीर में ऐसा सिस्टम नहीं है, ये बाहर की स्टेटें हैं जहाँ जंगल राज है, खास करके वो वेस्ट बंगाल की जो वहाँ पर जो TMC का राज है, वहाँ जंगल राज से भी ऊपर है। एक दिन रेप होता है, दूसरे दिन 50-100-200 बंदा आता है, वो जो एविडेंस है सारा ख़त्म कर देता है। तो इससे बड़ा नाकामी और क्या हो सकती है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो विजयपुर में हुआ इंसिडेंट या जहाँ भी हुआ है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो मेडिकल में है चाहे वो पब्लिक आम पब्लिक है, हमें मिलजुल कर आपस में रहना है और आपस में कोई अगर बात है तो उसको बैठ के ही उसमें हल कर सकते हैं। ये तशद्दुद से या आपस में बदतमीजी करने से वो मसला हल नहीं होता, मसला बढ़ता है। मसला अगर हल करना है तो हम आपस में बैठकर आप डिस्कस करें और मसले को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से जैसे डॉक्टरों को रात को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए? नहीं, सिक्योरिटी आप देखो कितने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, ये भी एक मसला है, मगर कम से कम जो हमारी बहनें हैं वो इतना बेखौफ होकर ड्यूटी करें कि कम से कम उनको ये ना लगे कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये जो कांड हुआ है ये तो एक आदमी सोच से ही बाहर है। हम सोचते हैं तो हमारे वो बाल खड़े हो जाते हैं कि एक बहन ड्यूटी करने जाती है तो उसके साथ ऐसा कांड हो जाता है और 5 लोग या 10 लोग, वो तो इंसानियत तो ख़त्म ही हो गई है। तो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी के बगैर तो, जैसे हमने अभी पिछले दिनों सांबा में स्ट्राइक हुई थी तो हमने वहाँ सिक्योरिटी का चौकी लगवाई थी, कम से कम उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह हर जगह थोड़ा एक जो है होना चाहिए, मगर आपस में आपसी तालमेल जो जरूरी है।